हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले लेक्चर में हम देख रहे थे कि हाउ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल गेट चेंज व्हेन एवर वी प्लेस एनी डायलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। तो हमने ये देखा था कि जब भी क्या होगा, आप डायलेक्ट्रिक स्लैब को या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस जो होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यदि आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कंप्लीटली डायलेक्ट्रिक स्लैब को या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को रख दें तो क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हम जब रख देंगे तो कैपेसिटेंस जो होगा वो क्या होगा, के टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वेयर के इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या देखेंगे, अभी उस समय हमने एक ही स्लैब को रखा था, अब हम देखेंगे कि व्हेन एवर मोर देन वन डायलेक्ट्रिक स्लैब, वन मोर देन वन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सच केस, ठीक है। तो देखो क्या है, एक पैरेलल प्लेट क्या है, कैपेसिटर है, उसमें हमने क्या किया है, दो डायलेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस T1 एंड T2 एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K1 एंड K2 को क्या है, कंप्लीटली क्या किया है, रख दिया गया है, ठीक है, उसके अंदर। अब यहाँ यह ध्यान देना है कि कुछ नहीं, एरिया क्या है, जो डायलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया है वही क्या है, प्लेट के एरिया के क्या है, इक्वल है। अपने को क्या करना है, आपको यहाँ भी क्या करना है, कैपेसिटेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ कितने कैपेसिटेंस होंगे, आप ध्यान देना, यदि मैं ये मान लूं कि ये क्या है X1, दिस इज नथिंग बट द X2, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा X3, यही होगा। तो यहाँ ध्यान से देखना कितने कैपेसिटर हो जाएंगे, एक देखो तो एक कैपेसिटर, एक दो थ्री फोर और क्या होगा 5, यही होगा ना। तो हम ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, C1 C2 C3 C4 और एक क्या हो गया C5, यही यदि हम A मान लें, इसको इस एंड को B मान लें तो ये A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। आपको केवल A माइंड में रखना है, ठीक है। तो कैपेसिटर C1 C2 C3 C4 C5, अब हम C1 C2 C4 कैसे लिखेंगे, देखो क्या कर रहा है, इसमें कुछ नहीं है, क्या फ्री स्पेस है, तो इसका C1 इक्वल टू क्या लिखोगे, C1 इक्वल टू लिखोगे एप्सिलॉन 0 A अपॉन क्या हो जाएगा, X1 हो जाएगा, यही होगा ना। C2 इक्वल टू यदि लिखो तो C2 इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन 0 A इनटू क्या हो जाएगा, K1 अपॉन क्या हो जाएगा, T1। C3 इक्वल टू आप लिखें तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 0 A अपॉन क्या हो जाएगा, X2। और C4 इक्वल टू लिखेंगे एप्सिलॉन 0 K2 A अपॉन क्या होगा, T2। C4 अगेन C5 इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन 0 A अपॉन क्या हो जाएगा, X3 हो जाएगा। क्या करना है कि जितने मीडियम में क्या है, जितने सेपरेशन में स्लैब रखा गया है उस सेपरेशन का कैपेसिटेंस कैसे लिखना है, एप्सिलॉन 0 K इनटू A अपॉन क्या होगा, थिकनेस ऑफ द स्लैब, देखो ध्यान से, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अब हम क्या लिखेंगे, एक और यहाँ रिजल्ट अपने को यूज करना है, क्या कि देखो X1 प्लस X2 प्लस X3 इक्वल टू क्या होगा, D माइनस T1 प्लस क्या हो जाएगा, T2, यही होगा। अब हम लिखें, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन CAB इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस क्या होगा C3 प्लस 1 अपॉन C4 प्लस 1 अपॉन क्या होगा C5। तो 1 अपॉन CAB हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 A अपॉन क्या लिखेंगे, X1 प्लस एप्सिलॉन 0, नहीं हम गलत लिख रहे हैं, X1 अपॉन एप्सिलॉन 0 A प्लस क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम कि T1 क्या लिखेंगे, T1 अपॉन एप्सिलॉन 0 K1 A प्लस X2 अपॉन एप्सिलॉन 0 A प्लस T2 अपॉन क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 0 A K2 प्लस X3 अपॉन एप्सिलॉन 0 A।
यही होगा 1 अपॉन सी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो कॉमन ले लें एप्सिलॉन 0 ए, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस क्या लिखेंगे टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन क्या हो गया के टू, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन सी ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए इन टू, देखो तो यहाँ क्या लिख सकते हैं डी माइनस टी वन प्लस माइनस टी टू माइनस टी वन अपॉन के वन माइनस टी टू अपॉन क्या हो जाएगा के टू। अगेन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा वन एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन, देखो ध्यान से डी माइनस टी वन इन टू क्या होगा वन माइनस के वन प्लस माइनस क्या हो जाएगा टी टू इंटू क्या होगा वन माइनस क्या हो जाएगा के टू। अगेन आप ध्यान से देखना कि यहाँ भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आप यहाँ से देखना ट्रिक, यदि हम सोचें तो हमको क्या करना है, यदि हम ध्यान से देखें तो हम आसानी से क्या बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो स्लैब के पोजीशन पे क्या है डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल थिकनेस और क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, उसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है स्लैब का उसी पे क्या है डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या रहा, आपको यदि दो क्या होंगे दो डायलेक्ट्रिक्स स्लैब रख दिए तो कैपेसिटेंस कितना मिला d माइनस टी वन इंटू वन माइनस वन अपॉन के वन माइनस टी टू इंटू वन माइनस वन अपॉन क्या होगा के टू। तो क्या होगा कि वेन, अब क्या लिखेंगे वेन, अब यहां देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वेन एन डायलेक्ट्रिक स्लैब एन नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक नंबर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड डिफरेंट थिकनेस आर प्लेस्ड। तो कैसे प्लेस्ड, अब देखो क्या होगा, ऐसे ही आप प्रूव कर सकते हो, देन क्या होगा सी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे देखो यहां एक दिया हुआ है, यही हमने क्या किया प्लेट मान लिया, एक प्लेट दूसरा प्लेट हमने, ठीक है, यहां एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहां हमने दूसरा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ऐसे ही सो ऑन रखा, ये क्या है टी वन थिकनेस का टी टू इसका के वन के टू एंड सो, यहां मान लो कितना है इसका हमने टी एन माना, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिया हुआ है के एन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इस केस में आपको कभी कभी डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछा जाता है, तो यहाँ सी ए बी आई मीन क्या मैंने सी मान लिया, सी इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी माइनस, देखना ध्यान से डी माइनस क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्या होगा डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री सो ऑन प्लस टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू प्लस टी थ्री अपॉन के थ्री एंड सो ऑन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी माइनस टी वन इंटू क्या होगा वन माइनस वन अपॉन के वन प्लस सॉरी माइनस टी टू इंटू क्या होगा वन माइनस वन अपॉन के टू प्लस प्लस माइनस टी एन इंटू क्या होगा वन माइनस वन अपॉन क्या होगा के। तो यही क्या हो गया कैपेसिटेंस हो गया। आप यहाँ सिग्मा से भी लिख सकते हो माइंड में,
याद कर सकते हो इसको सिग्मा यूज करके भी, तो आप समेशन यूज करके भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, इम्पोर्टेंट रिजल्ट। यहाँ हमने क्या किया था, एरिया हमने क्या किया था, सेम कंसीडर किया था, थिकनेस क्या है अलग अलग है, और कुछ हम रिजल्ट और भी देखेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद केवल आप नोटबुक पढ़ो और फिर आप बी एम शर्मा सॉरी एच सी वर्मा में जितने भी लास्ट में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं या डायलेक्टिक स्लैब से, आपको खुद क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। केवल क्या करना है कि जितने थिकनेस तक डायलेक्टिक स्लैब रखा गया है उतने थिकनेस का कैपेसिटेंस, फिर अलग अलग कैपेसिटेंस लिखते जाओ, और क्या करना है, यहाँ भी देखोगे एन नंबर ऑफ कैपेसिटेंस होंगे, क्या है सीरीज में होंगे, ठीक है, एन नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन क्या होगा सीरीज। तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो क्या है पॉइंट है इसमें, कि व्हेन डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ, अब देखो यहां एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, एग्जांपल देखो कि यही क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब यहां क्या है, एक डायलेक्ट्रिक स्लैब और एक क्या है दूसरा डायलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया गया, आई मीन स्पेस क्या है, देखो ये कितना हुआ डी बाई टू, ये भी क्या होगा डी बाई टू, ठीक है। एरिया क्या है, यहां सेम है लेकिन स्पेस फॉर्म क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो यहां क्या होगा के वन और ये क्या होगा के टू। अब आपसे यहां पूछा जाए कि फाइंड ये क्या है ए एंड दिस इज बी, फाइंड फाइंड ए में क्या है इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बी में क्या है इक्विवेलेंट, ये भी पूछा जाता है इक्विवेलेंट डाइइलेक्ट्रिक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या है ये पूछा गया है। अब यहां ध्यान से देखना, दो कैपेसिटर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, दो कैपेसिटर्स क्या है सीरीज में है। यहां इसका यदि मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे होगा, क्या होगा एक कैपेसिटर ए हो जाएगा, दूसरा कैपेसिटर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये हुआ और दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ बी, इसको हमने सी वन और ए क्या है सी टू कंसिडर कर लिया। अब आप यदि सी नट लिखोगे तो कितना हो जाएगा इप्सिलन जीरो ए अपॉन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, सी वन आप लिखेंगे तो क्या है देखो कितने थिकनेस में है, तो क्या लिखेंगे इप्सिलन जीरो ए के वन अपॉन क्या होगा डी बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा टू इंटू क्या लिखेंगे टू सी नट इंटू के वन, देखो यहां से हमने सी नट का वैल्यू रख दिया। सिमिलरली सी टू इक्वल टू क्या होगा टू इंटू सी नट क्या हो जाएगा के टू। अब आप आसानी से लिख सकते हो कि वन अपॉन सी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा वन अपॉन सी वन प्लस क्या होगा वन अपॉन सी टू, इसका वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा देखो तो वन आई मीन टू अपॉन सी नट के वन प्लस क्या होगा टू वन अपॉन टू सी नट के टू, ठीक है। तो यहां जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो सी ए बी कितना आएगा, आप भी देख सकते हैं टू के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू इंटू क्या मिला सी नट, देखो ध्यान से आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है यही मिला क्या। तो आपसे यहाँ कोई पूछे कि के इक्विवेलेंट क्या होगा, के इक्विवेलेंट क्या होगा टू के वन के टू अपॉन क्या मिला के वन प्लस क्या मिला के टू मिल गया, ठीक है ये फर्स्ट केस में। तो यहाँ बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि तो अब देखो तो सी ए बी इज इक्वल टू क्या मिला टू के वन के टू अपॉन क्या हुआ के वन प्लस के टू इंटू इप्सिलन जीरो ए अपॉन क्या मिला डी, इसी को हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट, क्या होगा इक्विवेलेंट डाइइलेक्ट्रिक डाइइलेक्ट्रिक क्या होगा कांस्टेंट। और ये आप शायद ध्यान से देखेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्विवेलेंट डाई क्या होगा कि व्हेन एवर क्या होगा कि डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
placed inside the parallel plate capacitor in such a way that the space between the parallel plate capacitors are equally divided. Equally divided. देखो ये क्या था, d by 2 d by. Then क्या होगा, then equivalent dielectric constant will be harmonic mean of dielectric constant of all dielectric slab. क्या है, harmonic mean मिल रहा है. देखो ध्यान से, 2 k1 k2 upon क्या होगा, k1 plus क्या हो जाएगा, k2 मिल जाएगा. ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, dielectric constant तो यहाँ लिख सकते हैं, CAB is equal to k equivalent epsilon 0 a upon क्या हो गया. अब हम क्या करेंगे यदि इस टाइप का सिचुएशन होगा, तो हम कैसे सोचेंगे कि जो भी स्लैब है उसको क्या करेंगे, हम एक सिंगल डायलैक्ट्रिक मटेरियल से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, जिसका थिकनेस क्या होगा, प्लेट के सेपरेशन के क्या होगा, इक्वल होगा. तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डायलैक्ट्रिक सॉरी क्या कर सकते हैं, आसानी से कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कभी कभी क्या है, इक्वेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, सॉरी इक्वेलेंट डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कभी कभी पूछा गया है. अब ये देखो अगला एग्जाम्पल, देखो बाद में हम एक नोट लिखेंगे, यहां देखो. ठीक है, यहां आप देखेंगे एक स्लैब है, एक दूसरा स्लैब है, और एक क्या है, एक हम बोल सकते हैं कि ये तीसरा स्लैब है. ये इसका थिकनेस क्या है, डी बाई थ्री, इसका थिकनेस भी क्या है, डी बाई थ्री, इसका थिकनेस भी क्या है, डी बाई थ्री, है ना. इसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के वन के टू के थ्री. ठीक है, एरिया आपको मालूम. अब हम क्या करेंगे, इसको यदि मुझे कैलकुलेट करना हो कैपेसिटेंस, तो हम क्या करेंगे, इसको एक सिंगल डायलैक्ट्रिक स्लैब से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे. क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, जिसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होगा, के इक्वेलेंट के क्या होगा, इक्वल होगा. क्या होगा, के इक्वेलेंट के इक्वल होगा. देखो, और डी हो गया, प्लेट एरिया मालूम ही है, तो यहाँ सी ए बी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, के इक्वेलेंट एप्सिलॉन जीरो क्या होगा, ए अपॉन क्या हो जाएगा, और क्या लिखेंगे, वन अपॉन के इक्वेलेंट इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू प्लस वन अपॉन के थ्री. ठीक है, क्या हो जाएगा, वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू प्लस क्या हो जाएगा, वन अपॉन के थ्री बाई क्या हो जाएगा, थ्री. ठीक है, बाई क्या हो जाएगा, थ्री, आई मीन यहां लिख सकते हैं थ्री. ठीक है, तो आप जब इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो के इक्वेलेंट आपको क्या मिल जाएगा, यहां से के इक्वेलेंट इक्वल टू क्या होगा, थ्री के वन के टू के थ्री अपॉन के वन के टू प्लस के टू के थ्री प्लस के थ्री के वन. ठीक है, तो यहां लिख देंगे क्या होगा, कि इन दिस केस क्या होगा, लिख देंगे कि इक्वेलेंट डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट विल बी हार्मोनिक मीन ऑफ क्या होगा, ऑल डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. बस यहाँ एक पॉइंट नोट में लिखना है, कब, जब स्पेस क्या होगा, वेन एवर द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर इज इक्वली डिवाइडेड बाई क्या होगा, डायलैक्ट्रिक स्लैब. तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, आप लिख लेना, मैं लिख देता हूँ. और तो नोट में क्या लिखना है कि देखो, दो और तीन के लिए याद रखना, जैसे ये याद रखो, थ्री के वन के टू के थ्री अपॉन क्या होगा, ये याद रखना, दो के लिए याद रखो, एन के लिए तो आप कैलकुलेट. तो क्या होगा, वेन एवर, वेन वेन एवर स्पेस बिटवीन द पैरेलल पैरेलल प्लेट प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटर इज डिवाइडेड इक्वली बाय क्या होगा, बाय ऑल डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, बाय ऑल डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्लैब, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटी इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट विल बी क्या होगा, विल बी हार्मोनिक हार्मोनिक मीन मीन ऑफ
ऑल डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ऑल डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। आई मीन दैट इज क्या लिखेंगे, वन अपॉन के इक्वेलेंट, आई मीन एन, एन क्या है, नंबर ऑफ डायलैक्ट्रिक स्लैब, तो क्या लिखेंगे, वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू प्लस वन अपॉन क्या होगा के थ्री प्लस प्लस क्या लिखेंगे, वन अपॉन क्या हो जाएगा के एन, ठीक है। और इस केस में सी ए बी आई मीन सी इक्वेलेंट कितना होगा, के इक्वेलेंट इंटू क्या होगा एप्सिलॉन जीरो क्या हो जाएगा, ए अपॉन क्या हो जाएगा डी। ये तभी होगा जब स्पेस क्या हो, इक्वली क्या होगा डिवाइड होगा। अब दूसरा इसमें जो टाइप है क्या होगा कि व्हेन एरिया इज क्या होगा इक्वली डिवाइडेड बाय डायलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। दूसरा जो क्या है, अगला जो है क्या कि व्हेन व्हेन एरिया एरिया ऑफ द क्या होगा प्लेट प्लेट is equally equally divided divided by the क्या होगा by the dielectric dielectric slabs, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ क्या है, जैसे आप example देखो, यही क्या है, अब स्पेस नहीं डिवाइड हो रहा है, क्या है एरिया डिवाइड हो रहा है। तो एक डायलैक्ट्रिक स्लैब हम मान लेते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा ए बाई टू, ये भी क्या हो जाएगा ए बाई टू, यही होगा ना, ध्यान से देखना, ये थिकनेस क्या होगा डी। अब हमने एक डायलैक्ट्रिक स्लैब है, इसका के वन है और ये क्या है के टू, ठीक है। यहाँ एरिया क्या किया गया, इक्वली क्या किया गया है, डिवाइड किया गया, एरिया इज इक्वली डिवाइडेड। तो सबसे पहले एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन क्या लिखेंगे डी लिखेंगे ए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, एक कैपेसिटर क्या हो जाएगा ए और एक दूसरा, दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल में हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यदि हम इस एंड को ए मान लें, इस एंड को क्या मान लें बी मान लें, तो हम लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, दो कैपेसिटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दो कैपेसिटेंस क्या होगा। आप बोलोगे सर पैरेलल में कैसे है, तो बैटरी कनेक्ट कर दो यार, एक बैटरी का एक टर्मिनल इन दोनों कैपेसिटर की एक एक प्लेट से कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल इन दोनों के क्या है प्लेट से, दोनों के प्लेट से क्या है कनेक्टेड है, इसलिए क्या होगा पैरेलल में हो जाएगा। या यूं बोल सकते हैं यही बैटरी इसके अक्रॉस भी अपीयर हो रहा है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी क्या हो रहा है अपीयर हो रहा है, तो यही क्या होगा ए और दिस इज नथिंग बट द बी C1, this is C2. अब आप आसानी से देखो तो ये क्या हुआ पैरेलल में हो गया, C1, C2 का वैल्यू लिख देंगे और हम आसानी से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B कैलकुलेट। अब देखो C1 इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन 0 K1, अब A by क्या हो जाएगा 2D, तो यहाँ लिख सकते हैं K1 I mean K1 सीनट बाई क्या लिख सकते हैं 2, सिमिलरली C2 इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन 0 K2 ए बाई क्या लिखे हैं 2D आई मीन क्या लिख सकते हैं K2 सीनट बाई क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं। अब तो आसान से लिख सकते हैं, देखो CAB इक्वल टू क्या होगा C1 प्लस क्या हो जाएगा C2, तो CAB इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं K1 प्लस क्या होगा K2 बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू सीनट। तो देखो यही क्या मिला तुमको के इक्वेलेंट, क्या मिला के इक्वेलेंट यही मिला ना। तो यहाँ अपने को मालूम चल गया कि जब क्या होगा व्हेन एवर एरिया इज इक्वली डिवाइडेड बाय ऑल द डायलैक्ट्रिक स्लैब देन इक्वेलेंट डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट द अरिथमेटिक मीन ऑफ क्या होगा अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एपी में है क्या, आपने पढ़ा है ना कि दो नंबर एपी में है तो क्या होगा ऐसे ही आता है ना, ठीक है। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं CAB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं के इक्वेलेंट इनटू क्या होगा सीनट इक्वल टू के इक्वेलेंट एप्सिलॉन 0 ए अपॉन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया, दो प्लेट रखा, बाद में हम देखते हैं तीसरा प्लेट तीन प्लेट भी रख देते हैं इसमें। दूसरा एग्जांपल देख लो कि अगेन हमने क्या किया स्पेस बिटवीन
द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो हमने तीन पार्ट्स में क्या किया, इसको डिवाइड किया, ठीक है। तीन पार्ट्स में क्या किया, एक डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एक के वन, दूसरा क्या है इसको के टू मान लो, और तीसरा क्या होगा ये के थ्री, ई बाई थ्री, ई बाई थ्री, ई बाई थ्री, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ सी, अगेन देखो यहाँ तीन कैपेसिटर होगा, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करोगे तो तीन क्या होंगे कैपेसिटर होंगे, यही क्या होगा ए, और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा बी, सी वन, सी टू, सी थ्री। सी वन इक्वल टू क्या होगा एप्सिलन जीरो, आई मीन क्या होगा सी नट के, ठीक है, के वन सी नट बाई थ्री, ये भी क्या हो जाएगा सी टू का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो सी थ्री का, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो क्या, हाँ यहाँ हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कितना, देखो तो यहाँ लिख सकते हैं सी ए बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं के इक्विवेलेंट इनटू क्या होगा सी नट, और क्या लिखेंगे के इक्विवेलेंट इप्सिलन जीरो ए अपॉन क्या हो जाएगा डी, यही होगा ना, वेयर के इक्विवेलेंट कितना होगा, देखो के इक्विवेलेंट इक्वल टू के वन प्लस के टू प्लस के थ्री बाई क्या हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इन दिस केस क्या होगा, क्या होगा इन दिस केस डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ, क्या होगा अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन व्हेन एवर क्या होगा एरिया, क्या होगा एरिया ऑफ द प्लेट्स आर इक्वली इक्वली डिवाइडेड डिवाइडेड बाई द स्लैब, देन देन क्या होगा डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, देन इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज अरिथमेटिक अरिथमेटिक मीन आई मीन एपी ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑल डायलैक्ट्रिक, ठीक है, क्या अरिथमेटिक मीन अब क्या होगा ऑल डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक, क्या करना है आपको ध्यान में रखना है, इससे दो टाइप की प्रॉब्लम अब क्या होगा, इसमें सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना है, सीरीज पैरेलल से क्या करना है रिप्लेस कर देना है, और रिप्लेस करके फिर क्या करना है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप ट्राई करोगे तो आसानी से क्या होगा इस टाइप का प्रॉब्लम जो भी होगा क्या होगा वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें क्या होगा और भी अब देखो क्या होगा कि जब भी हम क्या करेंगे व्हेन एवर, अब डायलैक्ट्रिक स्लैब को हम कैपेसिटर के अंदर दो तरह से रख सकते हैं, एक क्या होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सॉरी क्या करें बैटरी कनेक्टेड हो, और दूसरा क्या होगा कि बैटरी क्या होगा कनेक्टेड नहीं होगा, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला जो क्या है पॉइंट है देखेंगे क्या कि इंट्रो इफेक्ट, अब क्या लिखेंगे इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्लैब इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ठीक है सिंपल। अब पहला केस हम क्या देखेंगे कि डायलैक्ट्रिक स्लैब डायलैक्ट्रिक स्लैब
इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द प्लेट व्हेन व्हाइल, ऐसे लिख सकते हैं while battery is connected, ठीक है। उससे क्या क्या इफेक्ट होगा, सभी फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा, सबके बारे में हम देखेंगे। और अभी जब ये चीज हम पढ़ेंगे तो हम मानेंगे कि क्या होगा, देखो यही क्या है, मानेंगे हम क्या कि ये जो स्पेस है कंप्लीटली हम क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। यही क्या है, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, यहां से बैटरी कनेक्ट कर दिया दोनों प्लेट से वी वोल्ट का, और अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम क्या कर रहे हैं स्लैब को क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके अंदर डाल रहे हैं। यही स्लैब है, देखो क्या होगा, ये स्लैब है। हमने क्या किया, स्लैब इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। यही क्या है, डायलेक्ट्रिक स्लैब है, जिसका कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो आपको क्या करना है, इसमें ये चीज याद रखना है कि क्या होगा, जैसे ही आप रखोगे उसको डालोगे तो कैपेसिटेंस कितने टाइम से इंक्रीज हो जाएगा, कितने टाइम से इंक्रीज हो जाएगा, के टाइम से आप क्या होगा, ये हो जाएगा इंक्रीज। हमने क्या किया, ऐसे सोचो आप, चलो हम कंप्लीटली रख देते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने क्या किया, कंप्लीटली रख दिया, हमने रख, ठीक है। अब क्या होगा कि जब क्या होगा, बैटरी कनेक्टेड होगा तो भी क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, भी कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, भी कांस्टेंट हो गया। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या होगा कि जब आप क्या करोगे, डायलेक्ट्रिक स्लैब को रखोगे तो उस सिचुएशन में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, क्या होगा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, देखो तो Q इक्वल टू क्या होगा, C इंटू क्या होगा, V। अब ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया यार। और व्हेन एवर वी क्या होगा, व्हेन एवर वी इंट्रोड्यूस्ड क्या होगा, डायलेक्ट्रिक स्लैब, देन C का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, C क्या होगा, अब यहां से लिख सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, C। अब क्या होगा, C क्या होगा, C इंक्रीजेस, आप उसके बाद क्या होगा, Q भी क्या होगा, Q आल्सो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तभी क्या होगा, देखो V क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस जब जैसे ही क्या करोगे कि व्हेन वी इंट्रोड्यूस डायलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन क्या होगा, When battery is connected, जब बैटरी कनेक्ट है तो क्या होगा, भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब आप कैपेसिटेंस के अंदर डायलेक्ट्रिक स्लैब रखोगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या चेंज होगा बता सकते हो आप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आप कई तरह से सोच सकते हो, V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू क्या होगा, D। अब देखो ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, और ये क्या है, D भी क्या है, D भी क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑफ कोर्स E भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आप बोल रहे हो कि सर आपने तो बोला यहाँ कि चार्ज बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, देखो E इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन के क्या होगा, इप्सिलन जीरो, ठीक है, क्या होगा, सिग्मा अपॉन क्या होगा, के इप्सिलन जीरो, और यहां लिख सकते हैं क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, के इप्सिलन जीरो क्या होगा, ए, ठीक है, क्या होगा, इप्सिलन जीरो क्या होगा, ए। आप यहां से भी देख सकते हैं इसको डी, और इधर भी हमने क्या लिख दिया, डी लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो Q इंटू क्या हो जाएगा, D अपॉन क्या हो गया, K, ठीक है, क्या हो जाएगा, K। अब यही क्या हो गया, K, हाँ देखो ये क्या हो जाएगा, C, यही हुआ क्या, क्योंकि K इप्सिलॉन जीरो अपॉन क्या हो जाएगा, D। तो Q बाई सी, यहां से देखो Q बाई सी क्या हो जाएगा,
अगेन कॉन्स्टेंट हो गया। तो यहाँ देखो ई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई सी इंटू क्या हो गया डी, और ए क्वांटिटी अगेन क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, और डी भी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। अभी आपको समझ में आया? तो क्या क्या कॉन्स्टेंट होगा, जब भी क्या होगा कि वेन एवर, अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में होगा, एनर्जी का क्या ख्याल है, देखो E is equal to क्या होगा, 1/2 CV² sorry U। तो एनर्जी देखो तो ये कॉन्स्टेंट हो गया, तो U is directly proportional to क्या होगा, C। अब यहां मैं एक जगह नोट करता हूं कि क्या होगा कि वेन एवर डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन साइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हाइल बैटरी इज कनेक्टेड, तो क्या होगा ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इस भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या क्या होगा, पहला तो क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, V क्या हो जाएगा, V कॉन्स्टेंट, E क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, C, ठीक है, आई मीन एनर्जी क्या होगा जब U क्या होगा, U इंक्रीजेस, सॉरी C इंक्रीजेस, U क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, ठीक है, और Q भी क्या होगा, Q also क्या होगा, इंक्रीजेस। तो ये आपको माइंड में रखना है कि जब भी क्या होगा डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा जाएगा तो ये चीज क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, लेकिन कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कितना टाइम इंक्रीज करेगा ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहां लिख सकते हो C इक्वल टू आपको मालूम है क्या होगा, K इंटू क्या होगा, सी नेट, ठीक है, U इक्वल टू क्या होगा, अगेन क्या होगा, K इंटू क्या होगा, यूनिट, ठीक है। उसी तरह आप चार्ज के बारे में भी लिख सकते हो, चार्ज भी क्या होगा, K टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, Q भी होगा, Q इज इक्वल टू आई मीन Q इक्वल टू क्या होगा, K इंटू क्या हो जाएगा, यूनिट, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जब बैटरी क्या था, कनेक्टेड था। सेकंड केस क्या है कि व्हेन द बैटरी इज डिसकनेक्टेड, ठीक है, तो इसमें सेकंड जो पॉइंट है बी में क्या है कि व्हेन आई मीन स्लैब क्या होगा, स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द क्या होगा, बिटवीन द प्लेट्स while battery क्या होगा, battery is disconnected, I mean हमने क्या किया, battery को disconnect कर दिया है, battery को connect नहीं किया है, ठीक है। तो जब battery को आप disconnect कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, charge क्या होगा इस situation में, क्या होगा, Q जो होगा वो क्या होगा, constant हो जाएगा, ये मैंने पहले भी बताया था, चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यही क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और यही मान लो कि हमने क्या किया, स्लैब एक डायलेक्ट्रिक स्लैब है, यहां बैटरी कनेक्टेड था लेकिन अभी क्या किया, उसको डिसकनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक डायलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, प्लेट के अंदर हमने रखा, तो देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, देखो ध्यान से, कि क्यू जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब हम लिखें, अब देखो क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू इक्वल टू क्या होगा, सी इंटू वी। अब क्यू कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सी। अब क्या होगा, जब भी क्या होगा, व्हेन स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, क्या होगा, व्हेन स्लैब इज क्या होगा, इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड, सी क्या होगा, सी क्या होगा, इंक्रीजेस, सी जब इंक्रीज होगा तो वी क्या होगा, क्या होगा, व्हेन स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, क्या होगा, सी इंक्रीजेस तो वी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां से V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू E इंटू क्या होता है, D।
अब भी क्या होगा, डिक्रीज, एक तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं, भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ई भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो भी क्या हो जाएगा, ई ऑल्सो क्या होगा, डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक तो इस तरह से सोच सकते हैं, दूसरे तरह से आप क्या कर सकते हो, ये बोल सकते हो, देखो ध्यान से, दूसरे तरह से कैसे, कि क्या होगा, ई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो के। अब आप क्या करोगे कि जब भी क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, तो इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, देखो तो हम बोल सकते हैं क्या होगा, ई इज इक्वल, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वन अपॉन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो आई मीन बोल सकते हैं ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई नट अपॉन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी देखो U इज इक्वल टू क्या होता है, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई क्या होगा, 2C। तो U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, C। तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, C क्या होगा, इंक्रीजेस, U क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक जगह मैं लिख देता हूं कि वेन क्या होगा, डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, क्या होगा नोट में, वेन डाइइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक स्लैब इज क्या होगा, इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड, देन क्या होगा, इस केस में क्या होगा, क्यू क्या होगा, इस केस में कांस्टेंट है, अब देखो क्यू कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं क्या, सी क्या हो जाएगा, देखो सी इंक्रीजेस, वी क्या होगा, डिक्रीजेस, ई ऑल्सो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटेंस भी क्या, सॉरी एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये क्या करना है आपको माइंड में रखना है, क्योंकि इससे भी कभी कभी क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बाद बस ये आज इतना ही, ठीक है। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे क्या, कि जब डायलेक्ट्रिक स्लैब रखोगे तो उस पर क्या होगा, स्लैब पे फोर्स भी लगता है, फोर्स कितना होता है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।